हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्फन सबिरा ब्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग्स बनाए हैं क्योंकि सबका तबीयत खराब था, सबको सर्दी जुकाम था। इनायन को भी थोड़ा सा बुखार था, अभी ठीक था, ठीक है, बहुत ठीक है। और आज इनायन स्टेप से मैं कपड़ा लेने के लिए गई थी ऊपर सर पे, वापस आने के टाइम सर से मतलब सर से नहीं स्टेप से गिर गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं चोट लग गया है इसे, बहुत देर तक रोई नया है ना, सिर्फ यहाँ पे ही लगा और बाकी सब ठीक है, थोड़ा ही लगा बस। और इनका काम चल रहा है तो खांसी अभी भी है, खांसी ठीक नहीं हुआ है, बोलिए आप। हाँ, तो आज वही थोड़ा सा होते होते हो गया। हाँ। और ये गिर गई, ये लगा कि कपड़े लाने के लिए खुद बैक इम्बैलेंस हो गई और बच्ची को भी इम्बैलेंस। मैं नहीं गिरी, वो गिरी, वही तो भाई, वो ऐसा ही कुछ हुआ है। और फिर बच्चे वाला मतलब क्या बोले, दोनों मतलब है ही शैतान। फिर हमारे घर के जो ओनर थे वो लोग भी बातें कर रहे थे, तभी ये गिर गई थी। फिर सब लोग भाग के आए, भाग के आने के बाद ही इनाया को सब लोगों ने उठा लिया गोदे में, और वही मैंने बोरोप्लस लगा दिया थोड़ा सा। कभी ये दाग जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, चला जाएगा। चाहे कुछ होम रेमेडी भी स्लीप ट्राई कर लेंगे बाद में। और आयन का भी 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है क्लास, ऑनलाइन क्लास। इनाया का भी हो गया है, तो इनाया को भी एक वीडियो सबमिट करना था स्कूल में, मतलब व्हाट्सएप में, तो वो कर दिया है। आयन ने भी होमवर्क कर लिया है। और आयन का टीचर का भी वैसा तबीयत खराब है, तो आज दो क्लास मतलब क्लास हुआ है, नहीं हुआ नहीं, पर जैसे होता है ना रेगुलर क्लास ऐसा नहीं हुआ है। कल फिर से स्कूल जाना है इनाया का, और इनाया को मतलब हर हफ्ते में 3 दिन जाना है स्कूल बुक सबमिट करने के लिए, जो होमवर्क देते हैं सबको सबमिट करने के लिए। और वीडियो हफ्ते में 2 या 3 सबमिट करना पड़ता है, जो वो लोग बोलते हैं उस हिसाब से। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास होता है, 10 मिनट के लिए होता है। तो हम दोनों साथ में चले जाते हैं, आयन घर में रुकते हैं, कभी कभार आयन भी आ जाते हैं हमारे साथ। और मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठंड है, इसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम हुआ है। तो यहाँ पर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है हो गया है ना, मतलब उतनी बारिश नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, जैसे होती है, तो वैसा मानसून नहीं है कि कंटिन्यूस बारिश हो, बारिश हो रही है। तो कभी कभी बारिश होती है, बस उस तरह नहीं होती है, लेकिन हम जो पहाड़ से आते हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो वहाँ पे तो बारिश आप जानते कैसे होती है, जैसे बिहार में आई हुई है बारिश, बाढ़ आई हुई है, तो वैसा वही। मतलब क्या था आपका, बिहार में आए हुए मतलब क्या था, तुम बिहारी हो ना? नहीं, तुमने ऐसे ही बोला था। मैं जनरल बता रहा हूँ कि ऐसे बाढ़ आई हुई है बिहार में, तो ऐसा है। और फिर आज तुम्हारा क्या क्लास था बोलो, बताओ। तो क्या क्या पढ़ा है तुमको आज सोशल साइंस में, बताओ? सोशल साइंस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ओल्ड मेमोर, ओल्ड डेज मतलब है ना, ओल्ड डेज और न्यू डेज का कम्युनिकेशन सिखाया है। और ये और थोड़ा सा ड्राइंग दिया था करने के लिए, इनायक को राइस था एक देने के लिए, तो वो दे दिया है सबमिट करके अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए ड्रेस पहन लिया है। वो कुछ क्लिप्स दे ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए, देखिए जरूर बताएं। हाँ, 10 मिनट के अंदर ही मैंने प्रैक्टिस कराया है, क्योंकि इसको तबीयत खराब था ना, इसलिए ऐसे ही प्रैक्टिस करा के दे दिया है। तो मैं स्लीप डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। सबको बहुत सर्दी हो गई, मौसम ऐसा हो गया है ठंडा का, तो उसके वजह से सबको सर्दी हो गई, सब लोग कमजोर लोग हैं, हॉर्लिक्स कम किया इन लोगों ने, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं ये सब हालात हैं, इनको नहीं हुआ है इसलिए। हाँ, हम लोग बॉन्ड करते थे हॉर्लिक्स अच्छे से पीते थे, इसलिए हम लोग स्ट्रांग हैं। किसने बोला कि बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स अच्छे से पीने से ही सर्दी जुकाम नहीं होता है, किसने बोला, कौन साइंटिस्ट ने बोला या कौन डॉक्टर ने बोला, बोली इसलिए अभी लोगों का इनकी मेडिसिन नहीं है। अगर आपको जुकाम हो तो ये देखिए, 1 2 ये मेरा है, 1 3 4 मतलब पूरी फार्मेसी आ गई है हमारे घर में मेडिसिन की। नहीं, वैसे तो हमारे घर में रहता ही है, एक दो था, एक दो सिर्फ एक्सपायर हो गया, खट्टा मीठा कड़वा मतलब आप कौन कौन से स्वाद का मेडिसिन मिल रहा है, तीखा बोल देना, तीखा तीखा खट्टा मीठा कच्चा पकच्चा तो नहीं, सब लिक्विड ही होता है, टेबलेट भी होता है ना, बच्चों का तो लिक्विड है, तो मतलब हद है, मतलब तो 2 दिन से खाना भी यही बना रहे हैं हमारे घर में, क्या कहे बताओ, बुखार तो नहीं है पर अंदर से ऐसा लगता है बुखार जैसा, और मतलब सर्दी और जुकाम खांसी है ना, इसलिए मन नहीं होता है कुछ भी करने के लिए, लेजीनेस ज़्यादा है, तो इसलिए यही काम करते हैं, खाना भी यही पकाते हैं। तो पहले रात, अभी रात को क्या बना रहे हो आज? रात में मुर्गी की टांग बनेगी और साथ में हम बनाएंगे और चिली रोटी और तिल मिलाता हुआ दाल
ऐसा भी बनाएंगे क्योंकि ये जंगली थे ना पहले, तो इसलिए वैसे मैं था कि हम सब लोग थे, तो हम बोल दिया कि हम लोग सब क्या थे, बंदर बोल दिया मम्मी जी को। मैंने कभी बोला तुमको बंदर? मम्मी ने बोला, मैंने हमेशा उनका आयान बोला, लेकिन मम्मी ने उनका बंदर बोला। तो मोगली भी थे क्या? तुम्हारे से कम तो मोगली से क्यों मिलती है बहुत ज़्यादा? बदमाशी शुरू हो गई है। खाने पीने के लिए कुछ देती हूँ, मुझे बात बात करती हूँ। ये देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को, बच्चे के जैसा हॉर्लिक्स खा रहे हैं। कभी कभी या हर रोज? कभी कभी, हमारे घर में तो हर रोज बनता है बच्चा। देखिए कटोरी में ले लिया है, शायद आप लोगों ने भी खाया होगा या फिर खाते होंगे, पर हमारे घर में तो खाते हैं सब लोग। मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, बाकी सब खाते हैं। इनाय और आयन शक्तिमान देख रहे हैं, देख देख के खा रहे हैं। दोनों टीवी के अंदर घुस चुके हैं, देख सकते हैं। गौर से देखिए इनाया को, और इसी के साथ आज का व्लॉग्स ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को हमारा व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।